रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त कठुआ में मौजूद है और इस वक्त यहाँ पर वो गाड़ी आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस गाड़ी पर फायर हुआ था और ये गाड़ी यहाँ पर फिलहाल पहुँची है। अभी सेना और जो जवान है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जिस गाड़ी पर फायर हुआ वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन सर जीवन आगे की वो तस्वीर ले जाएंगे। वो देखिए, ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया और शीशा इस गाड़ी का टूटा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी पर सामने आपको नजर आएगा कि शीशे टूटे हुए हैं और ये गाड़ी यहाँ पर फिलहाल पहुंच चुकी है। कायराना करतूत आतंकियों के एक बार फिर से आप इन तस्वीरों के जरिए देखेंगे। हालांकि अब सेना पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है और सेना का ये कहना है कि चुन चुन कर बदला इन आतंकियों से लिया जाएगा। हालांकि एक आतंकी मारा जा चुका है, लेकिन एक आतंकी जंगलों के बीच छिपा हुआ है और उसी आतंकी को पकड़ने के लिए सेना सर्च ऑपरेशन इस वक्त चला रही है। सर जीवन ये देखिए तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये वही गाड़ी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं और सामने ही आपको नज़र आएगा कि फायर किया गया है, निशाना लगा इस पे और उसके बाद आपको नजर आएगा कि शीशा भी इसका टूटा है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, अब मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से ये पूरा का पूरा हमला अंजाम दिया गया है। आइए जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किस तरह से आतंकियों का अंत तय है। इसके लिए पाकिस्तान अब भी बोली नहीं, अब गोली की भाषा ही समझेगा। दूसरी बड़ी बात क्या, पाक रोटी कपड़े को मोहताज है लेकिन आतंकवाद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान को आखिर किसका साथ मिल रहा है, यह बड़ी बात है। चौथी बड़ी बात, पाकिस्तान का एक ही इलाज है, सर्जिकल स्ट्राइक, जो पहले भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जब इलाज पक्का हो गया था उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है, बार बार इस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अब रुख करेंगे हमारी सहयोगी अनामिका का। तो 9 जून को हुए रियासी आतंकी हमले में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था, हमने आपको बताया, और इस बीच दूसरे आतंकी से मुठभेड़ लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर दबिश देकर और सर्च ऑपरेशन चलाकर सफलता हासिल करने की कोशिश की गई। इस बीच बड़ी सफलता हाथ भी लगी है सुरक्षा बलों को। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, कैसे कदम उठाए गए और आने वाले समय में सुरक्षा बल और क्या कदम उठाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। कठुआ आतंकी हमला, डोडा बेस कैंप पर अटैक, कठुआ सेना के काफिले पर हमला, रियासी घात लगाकर अटैक, ये वो चार तस्वीरें हैं जिसे देख पूरा देश उबल रहा है। गुस्सा ऐसा कि बस एक ही मांग है और वो है आतंकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके परमानेंट इलाज की। एक बार फिर सरहद पार कर पाकिस्तान में घुसकर उसे उसी तरीके से जवाब देने की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज सुबह पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। यह वही पैटर्न था जो 3 दिन पहले रियासी में अपनाया गया था। कठुआ में 2 आतंकी एक घर में घुस गए, लोगों से पीने के लिए पानी मांगा, स्थानीय लोगों को शक हुआ और पानी देने से इनकार कर दिया। आतंकियों को ये बात नागवार गुजरी और लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। चीख पुकार और शोर सुनकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। एक आतंकी सुरक्षा बलों पर हैंड ग्रेनेड फेंक रहा था, तभी पुलिस की गोली से ग्रेनेड वहीं फटा और एक आतंकी ढेर हो गया। रियासी के बाद जम्मू के कठुआ में आतंकियों ने एक घर को निशाना बनाने की कोशिश की, हालांकि लोगों की सूझबूझ की वजह से वो घर से निकलने में सफल रहे। सुरक्षा बलों को जब इसकी इत्तला दी गई तो उसके बाद शुरुआती मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। इस वक्त हम कठुआ के हीरानगर में मौजूद हैं, कूटा इलाके में। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और भारतीय सेना का साझा अभियान लगातार जारी है। कल देर शाम जैसे ही एनकाउंटर शुरू हुआ, शुरुआती मुठभेड़ में
में आतंकी मार गिराया गया। आतंकी जब सुरक्षा बलों की तरफ अग्रसर हो रहा था, सुरक्षा बलों की तरफ से उस पर फायरिंग की गई, जिससे कि आतंकी जो है उसके पास जो आईडी थी वो आईडी ट्रिगर हुई है, जिसकी वजह से आतंकी की मौत हो गई। कठुआ टेरर अटैक के आतंकियों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों की माने तो दहशतगर्दों ने गांव के एक युवक को धमकी दी थी, जिसने आर भारत पर अपनी आपबीती सुनाई। रास्ते में पहुंचा तो उन्होंने मुझे रोक लिया, उन्होंने रोका और मेरे को रोका, उन्होंने बोला आईडी कार्ड दे अपना। वहाँ आईडी कार्ड नहीं है मेरे पास, मैं नहीं रखता, घर पे है। अच्छा, एक ने बाल खींचे और फूटे सिर को मेरे को। कितने लोग थे? दो थे। हाँ, ब्लैक कपड़े डाले थे उन्होंने। उन्होंने मारा, फिर एक बोला है जा तू घर को, अपने गांव में बता दे, हम दहशत मचा देंगे गांव में। जंगल में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल ड्रोन के साथ साथ आधुनिक तकनीक की मदद ले रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द इनका इलाज किया जा सके। तो कठुआ में इस वक्त देखिए यूएवी से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मेरे सहयोगी सरजीवन आपको सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि कल इस जगह पर आतंकी हमला हुआ। एक आतंकी आया, उसने यहाँ पर जो स्थानीय लोगों को डराने की कोशिश की, और इससे पहले फिर उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी गई और यहाँ पर जो CRPF है, सेना है, वो पहुंची, उसके बाद एनकाउंटर हुआ उस आतंकी का। ये खबर मिल रही कि एक और आतंकी जंगलों में छिपा हुआ है, इसीलिए हर जगह की निगरानी इस वक्त रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। सिर्फ कठुआ ही नहीं, जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकियों ने कायराना हरकत की, सेना के अस्थाई बेस कैंप को निशाना बनाया, जिसमें सेना के दो जवान घायल हो गए हैं। आतंकी हमला डोडा के छत्रगला में हुआ, जहां भारतीय सेना की टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया, जिसमें दो सुरक्षाकर्मी, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक SPO भी शामिल है, वो घायल हुए हैं और अब घायलों का इलाज जारी है। अब आज से चार दिन पहले रियासी में आतंकियों ने यात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया था। पुल के नीचे पहले से ही आतंकी छिपे थे, जैसे ही बस पुल पर आई, घात लगाकर बस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस हमले में 9 यात्रियों की मौत हुई थी। रियासी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले में शामिल आतंकवादी का स्केच जारी कर दिया गया है, इसे प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से बनाया गया है। इसके साथ ही आतंकवादी पर 20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर को दहलाने के पड़ोसी मुल्क साजिश रच रहा है, बार बार आतंकी भेजकर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ रही है। उसकी नापाक सोच को देश के वीर सपूत नाकाम कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है घर में घुसकर मारने की। अब देश की एक ही मांग है, फिर पक्का इलाज करने और सर्जिकल स्ट्राइक की।